नमस्कार दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं लगातार फिश ब्रीडिंग के ऊपर वीडियो बना रहा था और काफ़ी सारा जानकारी जो है ब्रीडिंग के ऊपर मैंने आपको दे दिया। आज जो मैं बताऊंगा वो है रेहू मछली के बारे में, इसका ब्रीडिंग प्रोसेस और किस तरह से बहुत आसानी से इस मछली को आप ब्रीडिंग भी करा सकते हैं, इसका सारा तरीका मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप ब्रीडिंग का प्रोसेस जो है वो देखते रहिए और मैं आपको जानकारियाँ देता रहूँगा। दोस्तों रेहू मछली सबसे अच्छा मछली होता है ब्रीडिंग के लिए। इसका पेट में जब अंडा हो जाता है तो ये मछलियाँ बहुत ही आसानी से अंडा दे देती है। इसको भी दो तरह से आप ब्रीडिंग करा सकते हैं। नंबर वन आता है स्टीफिंग और नंबर टू आता है नेचुरल ब्रीडिंग। तो दोनों में से कौन सा ब्रीडिंग सबसे अच्छा होता है? यहाँ पे जिस ब्रीडिंग को कराया जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिपिंग, जिससे पेट में दबा के मछली का अंडा निकाला जाता है। दोस्तों इस स्ट्रिपिंग और नेचुरल ब्रीडिंग जो दो तरह का ब्रीडिंग है, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी हमें मिलती है और कौन कौन सी दिक्कतें होती है, इसके बारे में मैं पहले ही भी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, इसका थंबनेल ये रहा। इस वीडियो को देख के आप इसके बारे में अच्छा खासा जानकारी ले सकते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रेहू मछली का ब्रीडिंग। रेहू मछली का ब्रीडिंग कराने का जो दो तरीका है उसमें से कौन सा तरीका जो है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है? दोस्तों यहाँ पे मैं जिस तरह का ब्रीडिंग करा रहा हूँ इसको स्ट्रिपिंग बोला जाता है। अगर स्ट्रिपिंग और नेचुरल ब्रीडिंग में फ़र्क देखा जाए रेहू मछली के लिए, तो मेरा मानना है कि नेचुरल ब्रीडिंग ही सबसे अच्छा होता है रेहू मछली के लिए। हालांकि नेचुरल ब्रीडिंग में पानी का खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इसका भी रेशियो अगर मैं बात करूँ 1:1 का है, यानी एक मेल के लिए एक फीमेल मछली का इस्तेमाल करना। स्टीपिंग में 1:2 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी कभी कभी देखा जाता है मेल का जो घनापन है वो स्पर्म है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके वजह से एक मेल मछली के लिए दो फीमेल मछली का अंडा को फर्टिलाइज करना बहुत ही आसान हो जाता है, इसीलिए 1:2 का भी किया जा सकता है। लेकिन नेचुरल ब्रीडिंग में क्या होगा, मेल का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, पानी में ये मेल का जो स्पर्म है वो बहता हुआ बाहर की तरफ निकल जाता है, जिससे इसका जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, यानी एक मेल मछली के लिए एक फीमेल मछली को इस्तेमाल करें। अगर स्टीपिंग कर रहे हैं तो आप कभी कभी दो या तीन फीमेल मछली के साथ एक मेल मछली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है स्पर्म के ऊपर, अगर अच्छा है तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1:1 करने से ही सबसे अच्छा है। कैसे यहाँ पे स्टीपिंग किया गया है और अंडे को थोड़ा धोना पड़ेगा, क्लियर करना होगा, इसका भी कुछ रीज़न मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि इस स्पर्म अगर ज़्यादा हो जाता है तो अंडा का फर्टिलाइज होने का जो परसेंटेज है वो ख़राब हो जाता है, इसके वजह से अंडे को बार बार वॉश किया जाता है और अंडे को थोड़ा साइज में बड़ा बनाया जाता है, इसके बाद जार में दे दिया जाता है। नेचुरल ब्रीडिंग में इस तरह का झमेला या झंझट कुछ बिल्कुल ही नहीं होता है, अंडा खुद ब खुद टैंक में भरी हो जाती है, फिर साइड वाला जो रिजर्व टैंक है उसमें अंडा आ जाती है, उसको उठा के हम लोग जार में डाल देते हैं। दोस्तों IMC के लिए जो ब्रीडिंग कराने का तरीका है वो सब मछली के लिए सेम टू सेम ही है, एक ही तरह से आप इसको कर सकते हैं, अलग तरह का टेक्निक का इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको नेचुरल ब्रीडिंग के बारे में, उसका प्रॉब्लम, उसका सलूशन किस तरह से किया जाता है सब कुछ दिखाऊंगा। इंजेक्शन के बारे में बताना है, डोजेस के बारे में बताना है और बहुत सारे चीज़ें बतानी है, जार के सिस्टम के बारे में बताना है, अंडे के बारे में बताना है, काफ़ी सारा चीज़ जो है अभी वीडियो बनाना बाकी है। ब्रीडिंग के बहुत सारा टेक्निक है, काफ़ी समय लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आपको सपोर्ट मुझे ज़रूरत है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे तो ही मैं इस तरह का वीडियो बना पाऊँगा। तो आज जो मैंने जानकारी दिया ये छोटी सी जानकारी थी, और क्योंकि लगभग सब ब्रीडिंग प्रोसेस सेम टू सेम ही है, इसीलिए ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।